नमस्कार, अपडेट 10 में आपका स्वागत है। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस आज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी राज्य के लोगों को शुभकामना। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रकृति और कला संस्कृति से लगाव के साथ साथ अपने साहस और शौर्य के लिए जाने जाते हैं हिमाचल के लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में करेंगे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का साथ में करेंगे दौरा। रक्षा और व्यापार सहित कई मुद्दों पर होगी खास बातचीत। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। बुलंदशहर से रेल, सड़क, तेल और गैस और साथ ही शहरी विकास और आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज, प्रधानमंत्री ने जारी किया संदेश, कहा युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने का दिन। निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मिलित होंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आज हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मेरे परिवारजन प्रकृति और कला संस्कृति से लगाव के साथ साथ अपने साहस और शौर्य के लिए जाने जाते हैं। अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण के लिए भी वे सदैव समर्पित रहे हैं। राज्य के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस दिन पर शुभकामनाएं दी हैं और कहा है, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। अध्यात्म और वीरता दोनों के केंद्र हिमाचल प्रदेश की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता सदियों से सभी को आकर्षित करती रही है। मैं चाहती हूं कि राज्य नवाचार और उद्यमशीलता का भी केंद्र बने। मेरी मंगल कामना है कि हिमाचल प्रदेश के सभी लोग परंपरा और आधुनिकता में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ें और राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं और कहा है, हिमाचल प्रदेश के राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल की गोद में बसा देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत, मनमोहक परिदृश्य और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये खूबसूरत राज्य आगे बढ़ते हुए विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी कामना करता हूं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर एक पोस्ट जारी की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये हमारे जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने का अवसर है और जिन्होंने पहले से पंजीकरण नहीं कराया है उन लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्रोत्साहित करने का भी दिन है। पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि वो आज 11 बजे नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन पूरे भारत से पहली बार मतदान करने वाले लाखों मतदाताओं को एक साथ लाएगा। सम्मेलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के 5,000 से अधिक पहली बार मतदाता भी शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मतदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का विषय पिछले वर्ष की तरह नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम है। इस कार्यक्रम में मालदीव, फिलीपींस, रूस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल सम्मानित अतिथि के रूप में समारोह में भाग लेंगे। आयोजन के दौरान राष्ट्रपति
वर्ष 2023 के लिए चुनाव संबंधी सर्वोत्तम कार्य प्रणाली पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। पुरस्कार राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2023 के दौरान चुनावों के संचालन में आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव, मतदाता सूची और मतदाता जागरूकता और पहुंच के क्षेत्र में उनके योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाएंगे। भारत का निर्वाचन आयोग आज राष्ट्र के लिए अपनी सेवा का 75वां वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर और 2024 के संसदीय चुनाव के अवसर पर समावेशी चुनाव विषय पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। देश के सभी मतदाताओं को 14वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महान अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, और इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन मतदाताओं, विशेषकर युवा मतदाताओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का अवसर है, क्योंकि युवा ही हमारे इस महान लोकतंत्र के मुख्य नायक हैं। और इस वर्ष का राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो और भी अधिक खास है, क्योंकि इस वर्ष लगभग 60 से अधिक लोकतांत्रिक देश अपने अपनी देश की सरकारों को चुनने के लिए चुनावों में भाग लेंगे, परंतु सबकी नज़रें भारत पर रहेंगी, क्योंकि इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा के साथ साथ लगभग 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, वर्ष 2023 के दौरान हमने 9 राज्यों में चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इन चुनावों में लगभग 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने निष्पक्ष परिवेश में आनंद और उल्लास से वोट के रूप में अपने बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, हिंसा की भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, पुनर्मतदान भी लगभग ना के बराबर रहा। बस्तर में ऐसे 126 गांव थे जिनमें आजाद भारत में पहली बार पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए। वोटर्स बिना भय और चिंता के वोट डालने आए। महिला मतदाताओं ने भी पूरे जोश में उत्साह के साथ भाग लिया। इन 9 राज्यों के कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुष मतदाताओं को भी पीछे छोड़ दिया। आयोग के प्रयासों से लोकतंत्र के इस उत्सव में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 100% पंजीकरण वोटर लिस्ट में संभव हो पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 96 करोड़ मतदाताओं का उत्साह हमें सबको देखने को मिलेगा, जो कि 12 लाख पोलिंग स्टेशन पर 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी इस निर्वाचन को सुचिता और सफलता से पूरा करने में अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और राजस्थान के जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास तथा आवास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री बुलंदशहर में कार्यक्रम के दौरान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन विद्युतीकृत खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन दोनों स्टेशंस से मालगाड़ियों को रवाना भी करेंगे। ये नया खंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पश्चिमी और पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर के बीच महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करता है। प्रधानमंत्री मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई सड़क परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें अलीगढ़ से भदवास 4 लेन सड़क, मेरठ से करनाल सीमा तक चौड़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग के शामली मुजफ्फरनगर खंड को 4 लेन का बनाना शामिल है। पीएम इंडियन ऑयल की टुंडला ग्वारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी लोकार्पण करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करने वाली हैं।
संबोधन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि आप राष्ट्रपति का ये संबोधन संसद टीवी पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण शाम को देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। वो गुलाबी शहर जयपुर के ऐतिहासिक स्थल आमिर का किला, जंतर मंतर और हवा महल जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज दोपहर जयपुर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। दोनों आमिर किले जाएंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ जंतर मंतर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय सहित शहर में कई ऐतिहासिक स्थानों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज भी देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि भारत और फ्रांस परस्पर मजबूत संबंध साझा करते रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग अवसरों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिल चुके हैं। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों नेताओं पर पहले हो चुकी मुलाकात और दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों पर। हम आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है। इस टुकड़ी की विशेषता ये होगी कि इसमें भारतीय और नेपाली मूल के फ्रांसीसी सैनिक शामिल होंगे। साथ ही फ्रांस के 2 राफेल एयरक्राफ्ट और 1 रिफ्यूल एयरक्राफ्ट फ्लाई पोस्ट में हिस्सा लेंगे। द फ्रेंच कंटिंजेंट व्हिच इज मार्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द Republic Day Parade, which is His Excellency Mr. Emmanuel Macron, the President of France, is from the 2nd Battalion of the French Foreign Legion. We have 90 personnel who will be marching, soldiers, led by Captain Noel Louis, and they have a 30-member band which will play along when they march. So the French contingent would be marching on Kartavya Path for the second time. They had done the first in 2016, and now in 2024 they are here when the president is the chief guest. We have got 130 people marching over, men's marching over for the republic. आप लोगों को सबको धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी ट्रूप के तरफ से गणतंत्र दिवस का आप लोगों को सबको शुभकामनाएं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में सेना की नारी शक्ति भी कर्तव्य पथ पर अपना दम दिखाने के लिए तैयार है।
ऐसा पहली बार है जब बड़ी संख्या में ऑल विमेन टुकड़ी गणतंत्र दिवस पर मार्च करेंगी। पहली बार तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिलाओं की टुकड़ी मार्च करती हुई नजर आएंगी। जय हिंद, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि वर्मा, आई एम कमीशन्ड ऑफिसर इन टू इंडियन एयरफोर्स एंड आई जॉइंड द इंडियन एयरफोर्स इन दिसंबर 18, सो इट्स बीन अ 5 ईयर्स ऑफ माई सर्विस विद प्राइड एंड ऑनर। सो दिस टाइम वी आर मार्चिंग विद द ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑन द कर्तव्य पथ एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जय हिंद, आई एम कैप्टन शरण्या राव, आई एम फ्रॉम द इंडियन आर्मी, आई गॉट कमीशन्ड इन द इंडियन आर्मी इन 2021, सो आई हैव पुट इन 2 ईयर्स ऑफ सर्विस। I am very fortunate that I am leading the army component of the tri-services contingent. This is a historic thing which is happening because first one, it is the 75th Republic Day parade, and the second that the tri-services contingent is marching on the Kartavya Path on the Republic Day. Jai Hind, I am Sub Lieutenant Anshu from Indian Navy. I am leading the Navy part of the tri-services contingent. तो इस बार जो अलग है कर्तव्य पथ पे, वो ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीनों सर्विसेज से अग्निवीर एक साथ आए हैं और वो एक साथ मार्च कर रहे हैं। हमारे यूनिफॉर्म के अलावा हमारी ड्रिल में कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस दैट यू विल सी इन द कंटिंजेंट इज द डिफरेंस इन यूनिफॉर्म। द 26 जनवरी परेड व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द कर्तव्य पथ, इट इज वुमेन सेंट्रिक, सो देयर विल बी अ वेरी लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ऑन दिस परेड, फ्रॉम the marching contingents to the contingent commanders to women on the camel backs to the women on the mechanized platforms which will roll down the Kartavya Path, as also the motorcycle display. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने निवास पर गणतंत्र दिवस की झांकियों के कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर्ट के कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो, आपके सामने अवसरों की भरमार हो, अमृत पीढ़ी के रास्ते हर बाधा दूर हो। उन्होंने कहा कि अमृत काल की इस यात्रा में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो करना है वो देश के लिए करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि NCC, NSS या कल्चरल कैंप जैसी संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती हैं। इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है, इस संगठन का नाम है माई भारत। मैं भी आपकी तरह एनसीसी में रहा हूं, एनसीसी से ही निकला हूं, आपके बीच मैं उसी रास्ते से आया हूं। मैं जानता हूं कि एनसीसी, एनएसएस या कल्चरल कैंप जैसी संस्थाएं युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। इस कड़ी में देश में एक और संगठन का निर्माण किया गया है, इस संगठन का नाम है माय युवा भारत। मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी माय भारत वॉलंटियर्स के रूप में खुद को रजिस्टर करें, माय भारत की वेबसाइट पर ऑनलाइन विजिट करें। साथियों, गणतंत्र दिवस के इस समारोह के दौरान आपको लगातार ऐसे कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलने वाला है। परेड में भागीदारी के अलावा आप सभी कई ऐतिहासिक स्थानों पर भी जाएंगे और कई एक्सपर्ट से भी मिलेंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको पूरे जीवन याद रहेगा। हर वर्ष जब भी आप गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे, आपको ये दिन जरूर याद आएंगे। ये भी याद आएगा कि मैंने आपसे कुछ बातें कही थी, इसलिए मेरा एक काम जरूर करिएगा। करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। बेटियों की आवाज तेज है, बेटों की कम है। करेंगे?
अब बराबर बराबर है। अपने अनुभव को कहीं किसी डायरी में जरूर लिखकर रख लीजिएगा। और दूसरा, गणतंत्र दिवस से आपने क्या सीखा ये मुझे आप नमो ऐप पर भी लिखकर या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिएगा। भेजेंगे? आवाज दब गई। नमो ऐप के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी मुझसे लगातार जुड़ी रह सकती है। कुछ और अपडेट से, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कैबिनेट के सामने पेश प्रस्ताव में इसे भारत की आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा बताया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कठिन अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सफल आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग प्रवर्तक बताया। प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय सभ्यता पिछली कई सदियों से और शताब्दियों से जो सपना देख रही थी वो पूरा हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अयोध्या में जो काम कई वर्षों बाद पूरा हुआ है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देश का मनोबल और सांस्कृतिक आत्मविश्वास बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को मार्च महीने तक अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए ना जाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं के आवागमन से आम लोगों को समस्या हो सकती है, इसीलिए वो मार्च तक अयोध्या जाने से बचें। हम आपको बताते हैं कि गत दो दिन में 8,00,000 भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा भी चढ़ाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग, नगर विकास और पुलिस विभाग के बीच तालमेल और अंतर्राज्यीय, अंतर जनपदीय या संवाद और समन्वय बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं और अयोध्या आने के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन अभी स्थगित रखने की हिदायत भी दी है। बजट 2024 के अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की हलवा सेरेमनी की रस्म निभाते हुए सभी अधिकारियों का मुंह मीठा करवाया। नॉर्थ ब्लॉक के हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ मौजूद रहे। हलवा सेरेमनी के बाद से बजट की छपाई शुरू हो जाती है। बजट तैयार करने की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल एक हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। पिछले 3 साल पेपरलेस बजट पेश किए गए, इस बार भी इसे पेपरलेस तरीके से ही पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। आमतौर पर हलवा बनाने की रस्म में बजट बनाने में काम करने वाले अधिकारी ही काम करते हैं। विश्व की जानी मानी महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने अपने संन्यास की खबरों से साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि उन्हें मीडिया द्वारा गलत ढंग से कोट किया गया है, जबकि उन्होंने संन्यास के संदर्भ में कोई निर्णय अभी नहीं लिया है। गौरतलब है कि मैरी कॉम 6 बार के विश्व चैंपियन हैं। इसके अलावा मैरी कॉम 2012 के ओलंपिक खेल में भी पदक जीत चुकी हैं। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी इतिहास में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैरी कॉम विश्व की पहली महिला मुक्केबाज है जिन्होंने 6 बार विश्व विजेता का खिताब जीता है। वहीं मैरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला बॉक्सर हैं। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य जीता था। 2006 में मैरी कॉम को पद्मश्री और 2009 में उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू हो गया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। इस मैच में भारतीय टीम 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स के साथ उतरी है।
वहीं इंग्लैंड ने 4 स्पिनर खिलाए हैं। भारत की प्लेइंग 11 के कप्तान रोहित शर्मा हैं और उसके साथ साथ यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, केएस भरत विकेटकीपर है, रविंद्र जडेजा, रविंद्र चंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भारतीय टीम में हैं, जबकि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में बेन डेकेट, जैक क्रॉली, ओली पॉप, जो रूट, बेन स्ट्रो कप्तान हैं, जॉनी बेयरस्टो विकेटकीपर है, बेन फॉक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टले और मार्क वुड और जैक लीच स्क्वाड में शामिल हैं। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 25 जनवरी साल 1950 को भारत के संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार मिले हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य के निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी साल 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश भारत गणराज्य का 18वां राज्य बना। साल 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है। साल 1857 तक यह क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत धर्मशाला, कुफरी, मनाली, कुल्लू, शिमला समेत कई स्थान यहां आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपडेट में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर शास्त्रीय गायिका पारोमिता देशमुख की विशेष प्रस्तुति के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। शुभ्र जो